हेलो फूडीज़, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेन्यू कार्ड के किचन में। तो हम सभी के घरों में देसी घी बनाया जाता है, जो हमारे पास मलाई बच जाती है, तो आज हम उसके साथ में एक नई रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। मलाई से जो घी बनता है, उसका जो वेस्ट पार्ट बच जाता है, उससे ज़्यादातर हम लोग कुछ मीठा बना लेते हैं। तो आज उससे एक मैं सब्ज़ी बना कर आपको दिखाऊँगी। बहुत ही टेस्टी सब्जी तैयार होती है। तो इसके लिए जो हमने घी का वेस्ट पार्ट बच गया था, उसको हमने एक स्ट्रेनर में डाल के उसको गर्म पानी से वॉश कर लेना है, जिससे कि क्या होगा कि इसमें जो एक्स्ट्रा घी होगा वो निकल जाएगा, और उस गर्म पानी को आप किसी भी दाल वगैरह के पकाने में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सब्ज़ी बहुत ऑयली बनेगी। बस करना क्या है, हमने ऑयल गर्म किया है सरसों का, और उसमें 2 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा जब अच्छे से चटक जाएगा तब उसमें हमने हरी मिर्च डाल दी है, और साथ में हमने एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज को थोड़ा सा भून लीजिएगा। सब्जी को बनाने में कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ये वाकई में टेस्टी बनेगी। एक जो आपने घी से मलाई बनाई थी, जो वो मलाई है वो आपने स्टोर करनी है फ्रीज़र में, जिससे कि वो खट्टी ना हो। अगर वो खट्टी होगी तो आपकी सब्ज़ी अच्छी तैयार नहीं होगी, उसमें खटास नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो घी निकालने के बाद, इस मटेरियल को गर्म पानी से 2 बार छन्नी में डालकर वॉश कर लीजिएगा, जिससे कि उसमें से एक्स्ट्रा घी निकल जाएगा और सब्ज़ी आपकी बहुत ज़्यादा घीघी या ऑयली नहीं बनेगी, और उस पानी को आप किसी भी दाल या और किसी सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज जब अच्छे से हो जाएगा तो इसमें कुछ हम फ्लेवर्स ऐड करेंगे। बहुत बेसिक मसालों के साथ में हम ये सब्ज़ी बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार हमने लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके साथ ही इसमें हम एक टमाटो की प्यूरे इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, या आप महीन चॉप्ड करके भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मिक्सर में इसका प्यूरे तैयार कर लिया है, और फिर मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। बस स्लो मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए, जब तक ऑयल रिलीज़ ना हो जाए, भूनना है। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं कलर के लिए, ये ऑप्शनल है। जब अच्छे से मसाला भुन जाए और ऑयल रिलीज़ हो जाए, तो इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिएगा। अब जो हमने गर्म पानी से घी का जो वेस्ट पार्ट है धो के रखा था, वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी देर भून लेंगे इसको अच्छे से। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा तरी वाली सब्ज़ी नहीं बनती है ये। तो इसमें पानी ऐड करने के बाद स्लो मीडियम फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट पकाना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है फ्रेंड्स। और अगर मलाई का जो खोजर है या जो वेस्ट है वो खट्टा नहीं है, तो ये सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी तैयार होती है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिए और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिए। तो लीजिए, हमने थोड़ा सा नमक कम था स्वाद अनुसार वो ऐड किया है। और जब ये इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। यदि आपको पसंद है तो ज़रूर से डालिएगा, अच्छा फ्लेवर आता है। जब ये अच्छे से हो जाए तो इसमें ऑप्शनल है ये, लेकिन इससे टेस्ट आपकी सब्ज़ी का दोगुना हो जाता है। थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बस गैस की फ्लेम को ऑफ करिए और इसको सर्विंग डिश में अपने ट्रांसफ़र कर लीजिए। थोड़े से कटे हुए पनीर और ग्रीन कोरिएंडर या हरी धनिया से इसको गार्निश करिए, और रोटी पराठे के साथ में एंजॉय करिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।